लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह द्वारा महानगर के गन हाउसों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान सीओ कोतवाली वीपी सिंह भी मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह ने बख्शीपुर स्थित काजी गन हाउस में पहुंचकर दुकान में रखे असलहों की चेकिंग की और कागजात भी चेक किए और दुकान में रखे कारतूसों की गिनती भी कराई गई। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत लाइसेंसी असलहों को जमा कराया जा रहा है और असलहों की पड़ताल की जा रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने बताया, मैं क्या मिला है अच्छा यहाँ थोड़ी मिलेगा भैया, वो अदालत से ही देना पड़ेगा। क्यों नाम क्या हमारे उसकी देखो उसमें है और सात तीन 2018 का लाइज सात मार्च का भाई अवेलेबल न जाएंगे थाना वाले आदेश हुआ था किसी को यही वाला क्या लिखा हुआ कितने बस ये है कि इलेक्शन के दौरान आप जमा करें नहीं बात है जो वापस नहीं ले जा रहा है फिर अभी तक ऐसा माल खाने सात छह लोगों का जमा है तो ले नहीं जा रहा तो कहाँ जमा कराते हैं तो फिर सब यहीं तो किराया लेते हैं उनसे आप 10 साल वाला कुछ किराया है 100 रुपये 200 रुपये में पुरानी मिल रहा है लोग अपना लाइसेंस सरेंडर करते हैं ये जो है हम और सीओ साहब जो है जॉइंट सत्यापन कर रहे हैं जो भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड लाइसेंसी जो शस्त्र की दुकानें हैं उसी क्रम में ये सत्यापन चेक किया जा रहा है निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी आम सेट किया जो भी शासन के प्रावधान है शासन द्वारा निर्धारित प्रावधान है उसके तहत हम लोग इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो जो भी सुसंगत प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। संहिता भी लगा हुआ है नहीं हाँ जमा हो रहे हैं यहाँ पे भी काफ़ी असलहे जमा हुए हैं इनके करीब लगभग 200 असलहे इन्होंने अब तक जमा किए हैं और जमा करने की कार्रवाई इनके यहाँ चल भी रही है और उसमें यही हम लोग देख रहे हैं कि जो ये कारतूस और शस्त्र जो भी इन्होंने विक्रय किया है तो जिस भी व्यक्ति को इन्होंने बेचा है वो लाइसेंसी है कि नहीं उससे फ़ोन से वार्ता भी की जा रही है जो भी कारतूस इन्होंने बेचा है तो खाली कारतूस इन्होंने जमा कराया कि नहीं कराया है और उसका सत्यापन भी हम लोग करें जो भी इनके यहाँ खाली कारतूस उसको गिनवाया भी जा रहा है और मिलान कराया जा रहा है अगर कोई अनियमितता होगी आफ्टर रिपोर्ट तो फिर कार्रवाई करेंगे। नहीं करा रहे हैं उसमें लगातार जो संबंधित थाना प्रभारी लोग हैं टीम बन गई है उनके यहाँ और लगातार उन लोग दबाव डाल रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इन दुकानों में असलहे जमा होना शुरू हुए हैं कुछ थानों में भी जमा होना शुरू हो गए हैं और आई होप हम लोग समय से जो है इस जो भी टारगेट है उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे।